तो हेलो दोस्तों, तो मैं आपको ऐसी रेसिपी दिखाने वाली हूँ आपको घर में, जो सभी के घर में जो रहता है उसी चीज़ से। मैं रोटी का बात कर रही हूँ, तो जो रात का रोटी है तो अक्सर आप लोग खा लेते होंगे या फेंक देते होंगे, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद, ये रेसिपी देखने के बाद आप लोग रोटी अब ऐसे नहीं खाइएगा, सोचिएगा से इस तरह से बना के ज़रूर खाएं। तो उसके लिए कुछ कुछ बना लेते हैं मसाला। तो जो अभी मैं सरसों का जो सॉस होता है, मैं वो 1 चम्मच डाली हूँ। अब ग्रीन चिली जो होता है, जो चटनी होता है, वो 1 चम्मच डाली हूँ। और जो केचप है तो 3 चम्मच में डाली हूँ। तो इस जगह पर पिज्ज़ा सॉस जो होता है ना, वो ले सकते हैं, लेकिन सबका पास पिज्ज़ा सॉस रहता नहीं है, लेकिन किसान जो केचप जो रहता है वो सभी का घर में रहता है, तो उसी से बनाएंगे। तो ये देखिए रोटी, तो मैं 4 रोटी ली हूँ। तो मैं इस रोटी एक रोटी को मैं सबसे जो अभी जो मैं सब जो सॉस वगैरह जो मैं बना के रखी हूँ, तो इसमें रोटी में चम्मच का सहायता से मैं सब में लगा लूँगी। और जो चाकू से बीच से कट कर देंगे अच्छा से डिजाइन देने के लिए। ये देखिए कुछ इस तरीके से। यह मैं प्याज या टमाटर काट के रखी हूँ, तो मैं इसमें डाल दे रही हूँ प्याज और टमाटर। तो आप इस जगह पर चाहेंगे तो उबला हुआ आलू भी थोड़ा सा डाल सकते हैं, और अपना मनपसंद सब चीज़ हो गया, थोड़ा सा चाहे पनीर हो गया तो इस आप ये सब भी डाल सकते हैं। तो इसके ऊपर मैं हल्का नमक छीट दूँगी और थोड़ा सा काली मिर्च, तो काली मिर्च छीट देंगी मैं। अब इसको एक अच्छा से शेप में दे दूँगी। देखिए बहुत अच्छा डिज़ाइन, देखिए। और जो मैं जो जैसे जैसे फोल्ड कर रही हूँ उसमें हल्का हल्का मैं जो केचप और जो सॉस जो मैं तैयार की हूँ वो सब लगाते जाऊँगी और इसको फोल्ड करते जाऊँगी, देखिए। और खाने में बहुत ही टेस्टी, बहुत ही टेस्टी। आप घर में एक बार बना के देखिए तो आप सोचिएगा से इसको बार बार बना के खाए इस रोटी को। तो मैं यहाँ 4 रोटी में जो रात का रोटी जो बच गया था, तो मैं 4 रोटी है, तो 4 रोटी का मैं सोचूँ आप लोग से भी शेयर करूँ। तो सच में बहुत यकीन मानिए, आप लोग भी घर में एक बार ट्राई ज़रूर मारिए। तो इससे पहले और एक बार, आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा से आपका वीडियो ये रेसिपी आप लोगों को कैसे लगा। तो मैं सारे रोटी को मैं ऐसे ही प्याज टमाटर डाल के तो फोल्ड कर दूँगी। ऐसे जो रोटी का जो बहुत सारा मेरे पास रेसिपी है, तो मैं आप लोग से सारे रेसिपी जो एक एक करके शेयर करूँगी आप लोग से। तो उससे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो ना आप लोगों के पास जो वीडियो है जाएगा, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और आप लोग भी बना के ज़रूर खाइए इसको। तो देखिए तो इस तरीके से मैं सारे बना लूँगी। तो मैं एक तवा ली हूँ, तो तवा को मैं पहले से ही गैस पे रख के आई थी धीमा आँच पर। तो मैं गरम जो तवा है गरम हो चुका है, मैं सरसों तेल में बना रही हूँ। तो मैं बोलूँगी तो आप बटर जो बटर होता है ना उससे बनाइए, और नहीं तो सरसों तेल से बनाइए। रिफाइन तेल से बिल्कुल मत बनाइए, जो टेस्ट है उसका ख़राब हो जाएगा। तो एक बार में जो मेरा 4 रोटी है जो वो इसमें समाज माने अट जो है ना अट गया है 4 रोटी। तो देखिए तो क्रिस्पी हो चुका है बहुत ही अच्छा से। तो इसको धीरे धीरे जो क्रिस्पी हो जाएगा पक जाएगा सही से, तो उसको मैं निकालते जाऊंगी। तो ये सब उतना क्रिस्पी नहीं हुआ है, तो इस साइड वाला सब देखिए।
देखिए जो दो रोटी है जो क्रिस्पी हो चुका है तो मैं इसको निकाल दे रही हूँ। मैं थोड़ा सा इसको और तेल डालूँगी, तो इसको आप सुबह में बना के खा सकते हैं, या ज़रूरत नहीं इसे बासी रोटी से ही बनेगा, आप जो रोटी जो ताज़ा ताज़ा रोटी बनाएंगे उससे भी बना सकते हैं। देखिए तो मैं इसमें मिर्ची नहीं डाली हूँ, आप लोग चाहते तो मिर्ची डाल सकते हैं, क्योंकि मेरा घर में जो है ना मिर्ची खाना कोई ज़्यादा पसंद नहीं करता, इसीलिए मैं मिर्ची नहीं डाली हूँ। आप लोग मिर्ची ज़रूर डालिएगा, और टेस्ट के लिए थोड़ा सा चाट मसाला भी आप लोग डाल सकते हैं। तो मैं आपको एक कट करके भी दिखाती हूँ कितना क्रिस्पी है। देखिए अंदर से एकदम जो जूसी है, जो हम लोग केचप लगाए थे, देखिए, और खाने में सच में बहुत ही अच्छा है। आप लोग ज़रूर एक बार बना के देखिए।